शिक्षार्थियों, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब तक हम तुलसीदास, रैदास, मीराबाई, रहीम के काव्य को पढ़ चुके हैं। आपने भी शायद इस बात पर ध्यान दिया होगा कि रीतिकालीन कवियों का मन श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं के चित्रण में बहुत रमा है। उनका दूसरा प्रिय विषय रहा है वस्तुओं के सौंदर्य का वर्णन। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुओं के अनेक लुभावने चित्र इन कवियों ने उकेरे हैं। ऋतु वर्णन प्राय श्रृंगार रस के आलंबन के रूप में अपनाया गया है। शिक्षार्थियों, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि ऋतुओं में भी वसंत का रूप सौंदर्य अद्भुत है। वसंत के आते ही प्रकृति में ही नहीं, हम मानवों के मन में भी हलचल होने लगती है। होली का त्यौहार भी तो इसी ऋतु में आता है, जो हमारे तन मन को रंग जाता है। यही कारण है कि वसंत को ऋतुराज कहा गया है। आज के इस कार्यक्रम में हम रीतिकालीन सुप्रसिद्ध कवि पद्माकर के बारे में जानेंगे और उनके कुछ कवित्वों में हम वसंत की कुछ छवियों का अवलोकन करेंगे। सबसे पहले हम पद्माकर जी का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। महाकवि पद्माकर रीतिकालीन के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका जन्म संवत 1810 में जिला बांदा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रतिभा के कारण अनेक राजदरबारों में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। पद्माकर ने बांदा के हिम्मत बहादुर सिंह के दरबार में रहकर हिम्मत बहादुर विरुदावली की रचना की। सितारा नरेश, रघुनाथ राव, जयपुर नरेश सवाई जगत सिंह और राज प्रताप सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के यहाँ आपने सम्मानपूर्वक आश्रय प्राप्त किया था। शिक्षार्थियों, ऐसा माना जाता है कि कवि पद्माकर जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे और गंगा तट पर गंगा जल का निरंतर सेवन करने के बाद वे स्वस्थ होते चले गए। अतः उन्होंने गंगा की स्तुति में गंगा लहरी नामक ग्रंथ की रचना की थी और 80 वर्ष की आयु में शिक्षार्थियों उनका देहांत हो गया। पद्माकर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, जगत विनोद, पद्माभरण, राम रसायन, गंगा लहरी आदि। शिक्षार्थियों, श्रृंगारिकता रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। इस युग का कवि चाहे भक्ति और नैतिकता की चर्चा कर रहा हो या प्रकृति चित्रण में तल्लीन हो रहा हो, वह श्रृंगारिकता से वह कहीं भी बच नहीं सका। उसका मन वहीं रमता है। जीवन के उतार चढ़ाव और आशा आकांक्षाओं की अन्य छवियों की ओर उसने कम ध्यान दिया है। तो शिक्षार्थियों, हम चर्चा कर लेते हैं कि इस कार्यक्रम के हमारे उद्देश्य क्या क्या हैं। हमारे उद्देश्य हैं कि कवि पद्माकर के मुख्य काव्यात्मक स्थलों और दृश्य चित्रों का हम चयन कर सकेंगे, पद्माकर की इन कविताओं के भाव सौंदर्य की समीक्षा कर सकेंगे, इनके शिल्प सौंदर्य और भाषा सौंदर्य का विवेचन कर सकेंगे, वसंत वर्णन, रूप सौंदर्य चित्रण और भाग के दृश्य चित्रों के सौंदर्य पक्षों की विशेषताएं तुलनात्मक रूप में हम बता सकेंगे, कवि की कल्पना, संवेदनशीलता, सहृदयता, चित्र विधायनी प्रतिभा और भाषा सौंदर्य की सराहना कर सकेंगे। आइए देखते हैं कि रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि पद्माकर ने वसंत के सौंदर्य चित्र को किस प्रकार प्रस्तुत किया है। वसंत का यह चित्र है, औरे भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, औरे डौर झौरन पे बौरन के हुए गए, कहे पद्माकर सुऔरे भांति गलियान, छलिया छबीले छैल औरे छबी छुए गए, औरे भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन हुए गए। इस कवित्व में कवि ने वसंत के कारण प्रकृति के रूप सौंदर्य में आए अवर्णनीय परिवर्तन का बड़ा अनूठा और उल्लास से भरा हुआ चित्रण किया है। ऋतुराज वसंत हैं, उनका आगमन प्रकृति में और मानव समाज में बाहर और भीतर अत्यधिक मादकता भर देता है। इस कवित्व में कवि ने शब्द ध्वनियों के माध्यम से वसंत का मनमोहक वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि वसंत को आए अभी 2 दिन ही हुए हैं,
कि कुंजों में भौरों की भीड़ कुछ और ही तरह से गूंजने लगी है। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि भौरों का समूह प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ मानो वसंत का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होकर एक स्वर में गुंजार कर रहा है, अर्थात पुष्प समूह ने भौरों में एक अलग ही तरह की प्रसन्नता और उत्साह भर दिया है। डाल डाल पर भौरों के जो गुच्छे दिखाई देने लगे हैं उनका रूप स्वरूप कुछ ऐसा हो गया है कि उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। गली गलियारों में बने ठने युवक युवतियों में वसंत के सौंदर्य से जो काम भाव उत्पन्न हुआ है उससे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, वे हर्षित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मोहक ऋतुराज वसंत को आए अभी कुछ ही समय बीता है, पक्षी भी सामूहिक रूप से प्रसन्नतापूर्वक चहकने लगे हैं। कवि कहता है कि यह परिवर्तन सब ओर दिखाई दे रहा है, सारा वातावरण रस से, रंग से, रीति से, गीत और प्रेम से बिल्कुल बदल गया है। तन मन और वन उपवन सभी में बदलाव आ गया है। इस बदलाव को अनुभव ही किया जा सकता है, इसे समझाया नहीं जा सकता। शिक्षार्थियों, इस कवित्व में कवि ने वसंत का एक ऐसा उल्लासमय सौंदर्य चित्र उपस्थित किया है जिसमें रूप, रस, गंध, मादकता सबका सम्मिश्रण दिखाई दे रहा है। निरपेक्ष और शुद्ध प्रकृति चित्रण का ये बड़ा मनोरम और आकर्षक उदाहरण है। वातावरण निर्माण के लिए कवित्व में ध्वन्यात्मक शब्दों का बड़ा कलात्मक प्रयोग किया गया है। इससे जो चित्र तैयार होता है वह अपेक्षित वातावरण को प्रत्यक्ष करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा ऐसी प्रतिध्वनियाँ पैदा की गई हैं जिसका प्रभाव पाठक के मन पर, हम पर देर तक बना रहता है। शिक्षार्थियों, इस कवित्व में अलंकारों की बात करते हैं। आप जानते ही हैं कि जब एक ही ध्वनि अथवा वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ भीर भौर, छलिया छबीले छैल, छबि छुए गए तथा तन मन में अनुप्रास का चमत्कार देखने योग्य है। इस कवित्व में लगभग प्रत्येक पंक्ति में अनुकरणात्मक शब्द ध्वनियों का अनुप्रास झंकृत प्रयोग बहुत सुंदर बन पड़ा है। औरें भांति की बार बार आवृत्ति से भावाभिव्यंजना को और अधिक व्यापक और प्रभावशाली बना दिया है। शिक्षार्थियों, आपने पहले पढ़ा होगा कि और शब्द व्याकरणिक दृष्टि से किन्हीं दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु यहाँ पर यह जो और शब्द है इस रूप में नहीं आया है। यहाँ और शब्द का अर्थ विशिष्ट के अर्थ में है, अर्थात जो अकथनीय है, जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो शिक्षार्थियों, हमने वसंत का चित्रण पढ़ा और जाना कि पद्माकर की कविता किस प्रकार मन को छू जाती है। वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हुए भी व्यक्ति को बार बार यही लगता है कि ऐसा कुछ है जिसका वर्णन करना संभव नहीं है, वह तो और ही कुछ है। अब हम अगला कवित पढ़ते हैं और यह कवित होली अर्थात फाग पर आधारित है। एके संग धाये नंदलाल ओ गुलाल दो, द्रगनी गए जो भरी आनंद मढ़े नहीं, धोए धोए हारी पद्माकर तिहारी सौ, अब तो उपाय एक चित्त में चढ़े नहीं, कैसी करों कहाँ जाऊं कासे कहूँ कौन सुने, को तो निकासो जासे दर्द बढ़े नहीं, एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आँखन ते कढ़ी गो अबीर पै अहीर तो कढ़े नहीं। इस कवित्व में पद्माकर ने फाग अर्थात होली का बहुत ही हृदय स्पर्शी, दिल को छू लेने वाला चित्र अंकित किया है। एक गोपिका कृष्ण के साथ गुलाल से फाग खेलने का बड़ा सजीव वर्णन अपनी प्रिय सखी से करती है। वसंत के ही साथ जुड़ा है एक उत्साह उमंग का त्यौहार, जिसे आप भी खूब जानते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इस त्यौहार को कहते हैं होली। इसी का दूसरा नाम है फाग। वैसे फाग उन लोकगीतों को भी कहते हैं जो होली के समय में गाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि पद्माकर फाग का चित्रण किस प्रकार कर रहे हैं। कवि की कल्पना को कुछ गहराई से समझने का हम प्रयास करते हैं। यह पूरा कवित एक गोपिका का कथन है। उसकी परेशानी क्या है, इसे समझने के लिए होली के एक रिवाज को याद कीजिए, अबीर गुलाल हवा में उड़ाना उछालना। यह उड़ता गुलाल तो गोपिका की आंख में ही चला गया है।
उसके साथ साथ नंदलाल भी उसकी आंख में बस गए हैं। कल्पना कीजिए, केवल गुलाल आंखों में पड़ जाए तो उसे निकालने का क्या उपाय हो सकता था। गोपी आंखें धो धोकर हार गई है, उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्यों? उसे क्या छटपटाहट है? कासे कहूँ, कौन सुने? मैं क्या कथा छिपी है? क्या गोपिका की बात आपको विश्वसनीय लगती है? नंदलाल की आंखों में बस जाने का दर्द दूर करने के लिए वे क्या नहीं समझ पा रही है? अबीर तो जैसे तैसे निकल गया, पर अहीर नहीं। पर अहीर कौन है? अहीर हैं श्री कृष्ण। क्या गोपी सचमुच कृष्ण को आंखों से दूर करना चाहती है? नहीं। पूरी कविता में कवि की व्यंजना पर ध्यान दीजिए। यहाँ कृष्ण के प्रति उमड़े प्रेम का वर्णन आंखों में अबीर पड़ने की स्थिति के रूप में किया गया है, लेकिन जितनी सरलता से अबीर धुल जाता है उतनी सरलता से कृष्ण प्रेम नहीं धुल सकता, और न ही गोपी ऐसा चाहती है। वह तो अपनी सहेली की सौगंध खाकर उसे आश्वासन दिलाना चाहती है कि वह कृष्ण को निकाल नहीं पा रही है और न उसे इसका कोई उपाय सूझ रहा है। शिक्षार्थियों, इस कविता से आप अनुप्रास और यमक के उदाहरण छाँट सकते हैं। उन पंक्तियों को चुन सकते हैं जिसमें गोपिका की अधीरता, अकुलाहट और विवशता चित्रित हुई है। क्या आपने ध्यान किया कि इसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है? शिक्षार्थियों, अब हम कवि पद्माकर के काव्य में भाव सौंदर्य तथा इसका शिल्प सौंदर्य कैसा है की चर्चा करते हैं। उनकी कविता में रीतिकालीन कविता की सभी मुख्य विशेषताएं विद्यमान हैं। वे रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिभा संपन्न कवि थे। उनमें श्रृंगार रस की भावाभिव्यक्ति की विलक्षण प्रतिभा रही है। इसी कारण कवि पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। शिक्षार्थियों, कवि पद्माकर की कविता में उत्कृष्ट कल्पना की उड़ान है और विषय विवेचन की विशुद्धता भी उनकी विशेषता है, जिससे काव्य में लाक्षणिकता और मधुरता आ जाती है। वे अनुप्रासों की तो झड़ी लगा ही देते हैं, जिससे अद्भुत चमत्कार पैदा हो जाता है। जैसे कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में, कलिन, कलीन, किलकत हैं। ब्रजभाषा का सुंदर साहित्यिक रूप आपकी रचनाओं को अलग ही पहचान दिलाता है। शिक्षार्थियों, कवि पद्माकर उत्कृष्ट प्रतिभा संपन्न कवि हैं। उनके काव्य की दो विशेषताएं सर्वोपरि हैं, दृश्य और शब्द योजना के द्वारा प्रकृति के माध्यम से ऋतु वर्णन और कल्पना की उल्लासमयी उड़ान। आनंद और उल्लास से जगमगाते चित्र प्रस्तुत करने में उनकी शब्द संयोजना जो है बहुत ही अनुपम है। तो शिक्षार्थियों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि इस कार्यक्रम में हमने आज क्या सीखा। तो शिक्षार्थियों, आज हमने सीखा कि पद्माकर रीतिकाल के अंतिम समर्थ कवि हैं। उनका काव्य भी उनके जीवन की तरह ही उल्लास और ऐश्वर्य से युक्त है। पद्माकर की भाषा में रीतिकालीन काव्य भाषा और शिल्प की समस्त सरसता, सुगढ़ता, कोमलता और आलंकारिकता मिलती है। ब्रजभाषा का प्रौढ़ साहित्यिक रूप पद्माकर के काव्य में बड़े स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। उनके रूप चित्र भी रंगीन और आकर्षक हैं। हाग के जो नयनाभिराम सहृदयता भरे दृश्य चित्र कवि ने अंकित किए हैं, उनमें भाव प्रवणता और दृश्य विधायनी क्षमता का पूरा परिचय मिलता है। तो शिक्षार्थियों, आज के इस कार्यक्रम में हमने कवि पद्माकर के काव्य को जाना और इसके बारे में चर्चा की। मैं आशा करती हूँ आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा और इससे आपको पद्माकर के काव्य को जानने में और समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।